कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राजस्थान के टोंक जिले के निवाई में झिलाए से अपनी पहली चुनावी जनसभा की शुरुआत करते हुए लोगों को खौफ दिखा दिया है। इस दौरान उन्होंने गहलोत सरकार द्वारा किए गए कामों की भी तारीफ की, साथ ही मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने इस दौरान कहा कि अगर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई तो गहलोत सरकार ने जो भी जनहित की योजनाएं दी हैं वो सब बंद कर दिए जाएंगे, इसलिए आप सोच समझकर ही वोट करें। वहीं सचिन पायलट ने भी निवाई में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और इसके साथ ही सचिन पायलट ने ये कहा कि हमें युवाओं को चुनाव में मौका देना चाहिए, संगठन ने मौका दिया भी है। अब आइए ऐसे में ये समझते हैं कि प्रियंका गांधी ने अपने बयान में क्या कहा है, क्यों उन्होंने खौफ में डाल दिया लोगों को। दरअसल प्रियंका गांधी ने टोंक में कहा कि राजस्थान में जिस तरह से 5 साल कांग्रेस सरकार ने राज किया, वैसी ही सरकार आपको वापस लानी है जो आम जनता को राहत दे सके। इससे पहले प्रियंका गांधी ने राजस्थान में भाषण की शुरुआत करते हुए डिग्गी कल्याण जी और धन्ना भगत के जयकारे लगाए। राजस्थान के टोंक जिले के निवाई विधानसभा क्षेत्र में प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार और पीएम मोदी पर भी सियासी आरोप लगाए। प्रियंका ने कहा कि लोग सत्ता में आते ही भूल जाते हैं कि उन्हें सत्ता में कौन लाया है। महंगाई से आम जनता को निजात दिलाने के लिए राजस्थान सरकार राहत कैंप लगा रही है, महिलाओं को मोबाइल भी मिल रहा है, सरकार जो दे रही है वो उनका हक है। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को राहत पहुंचाने के आरोप भी लगाए और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जब विदेश दौरे पर जाते हैं तो उसके बाद उन देशों से, उन चुनिंदा उद्योगपतियों से काम मिलते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी अपने आप को भूमि पुत्र कहते थे और आज वो करोड़ों के काफिले में चल रहे हैं। तो आइए अब इस बीच जानते हैं कि सचिन पायलट ने अपने बयान में क्या कहा है। इस दौरान प्रियंका गांधी के संबोधन से पहले सचिन पायलट ने अपना संबोधन दिया और इस दौरान भीड़ ने सचिन पायलट के जमकर नारे लगाए। इसके बाद पायलट ने अपना भाषण बीच में रोककर जनता को शांत करवाया। इस दौरान पायलट ने आगामी चुनावों को देखते हुए विपक्ष पर निशाना भी साधा और कहा कि सबको देखना पड़ेगा कि कौन से नेता, कौन से लोग जनता के हित में काम करते हैं और कौन से सिर्फ वोट बटोरने का काम करते हैं। लोग कितना भी झूठ प्रचार कर ले, कितना भी लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर लें, जनता अंत में सही निर्णय करेगी और 2023 में राजस्थान समेत बाकी राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। सचिन पायलट ने गांधी परिवार की तारीफ करते हुए कहा कि 3 महीने बाद राजस्थान सहित 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसी कई शक्तियां हैं जो समाज में आक्रोश और नफरत पैदा करके जनता का ध्यान डाइवर्ट करके वोट हासिल करती हैं। वहीं कई ऐसे लोग हैं और दल हैं जो अपनी मेहनत और तपस्या से जनता का मन जीतते हैं। पायलट ने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपने समर्पण, त्याग और तपस्या से जनता के मन में जगह बनाई है। सचिन पायलट ने कहा कि हमें युवाओं को चुनाव में मौका देना होगा, संगठन में ये काफी हद तक हुआ भी है। पायलट ने कहा कि प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक चुनावों में प्रचार किया था तो कांग्रेस की सरकार बनी। राजस्थान में आप और राहुल गांधी जी प्रचार करोगे, यहाँ भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, हमें नौजवानों को मंच देना होगा। अब आइए जानते हैं कि सीएम अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा है। सीएम अशोक गहलोत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है और हर क्षेत्र में फैसले लेने में कमी नहीं छोड़ी है। जो घोषणाएं बजट में की गई थी उन सब को लागू कर दिया गया है। इस बार माहौल ऐसा बन रहा है कि लगता है कि सरकार रिपीट होगी। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मनरेगा ने पीएम की बोलती बंद कर दी है और हमने यूपीए सरकार के बनाए कानूनों की तर्ज पर अधिकार आधारित युग की शुरुआत की है। राइट टू सोशल सिक्योरिटी कानून की दिशा में काम किया है हमने और अब केंद्र सरकार भी ये कानून बनाए और प्रियंका गांधी इसकी पैरवी करे। सीएम ने कहा कि मैं पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि वो गांधी परिवार से डरे क्यों रहते हैं और आपको बार बार गांधी परिवार का नाम लेने की जरूरत क्यों पड़ती है। गांधी परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दी है, जनता अब समझ चुकी है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।